नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। और झारखंड प्रभारी अविनाश पांडे झारखंड दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे हुए थे, जिसमें लगातार बैठकों का दौर चल रहा था। अगर हम बात करें तो पहले दिवस में कोऑर्डिनेशन कमेटी और 12 जिलों के जिलावार बैठक चल रही थी। अगर हम बात करें दूसरे दिन की, तो आज भी जिलावार बैठक लगातार चल रही थी, जिसमें कई सारे टास्क के साथ एक बार फिर से अविनाश पांडे ने कांग्रेस पार्टी को किस तरीके से मजबूती मिल सकेगी उस पर चर्चा की है। अगर हम बात करें पंचायत चुनाव जो होने जा रहे हैं, उसमें भी उनका सीधे तौर पर कहना है कि जितने भी हमारे कार्यकर्ता पंचायत चुनाव में खड़े होंगे, उन लोगों के लिए एक कार्यक्रम जून महीने में रखा जाएगा, जिसमें सम्मेलन होगा सभी लोगों का। आइए सुनते हैं पूरा मामला क्या है। अभी चर्चा हुई कल, हमारे जो कोऑर्डिनेशन कमेटी की समन्वय समिति की बैठक हुई, जिसमें सभी सम्माननीय नेतागणों ने भाग लिया। आने वाले दिनों में, जैसा मैंने कहा कि सदस्यता अभियान को हम बढ़ाने जा रहे हैं, उसी प्रकार जून में जो आज पंचायत चुनाव हो रहे हैं, उसमें कांग्रेस विचारधारा और हमसे जुड़े हुए जितने भी हमारे पदाधिकारी और सम्मान्य नेतागण जो प्रतिनिधि इसमें चुनकर आएंगे, उन सभी पंचायत स्तर के सभी नेताओं का एक बड़ा सम्मेलन जून के पहले या दूसरे सप्ताह में सुनिश्चित हम करने जा रहे हैं। साथ ही साथ जून में प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण शिविर, जो कि 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर होगा, जिसमें प्रदेश के सभी सम्मान्य नेतागण उस प्रशिक्षण शिविर में भाग लेंगे, और जिसको उसके बाद में जुलाई और अगस्त में जिला स्तरीय प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन होगा। और जैसा मैंने पहले भी कहा है कि हमारे इस सरकार के माध्यम से जो जनता की मदद के लिए विभिन्न जो योजनाएं शुरू हैं, उन योजनाओं को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाने के लिए अलग अलग जिला स्तर पर इस प्रकार के शिविर ऑर्गेनाइज़ किए जाएंगे, कैंप्स ऑर्गेनाइज़ किए जाएंगे, जहां पर कि जनता को मदद करते हुए इन सुख सुविधाओं को उन तक के पहुंचाने में आसानी होगी, चाहे वो कर्ज माफ़ी हो, बीज का वितरण हो, खाद का वितरण हो, मजदूरों के इंश्योरेंस की योजना हो, राशन बांटने की योजना हो, इन सभी योजनाओं को लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाने का हमारा प्रयत्न होगा विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से। साथ देखते रहिए लाइव लगातार। रांची से मैं पूजा, नमस्कार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।